हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम आप लोग को दिखाएंगे रथ यात्रा। तो हमारे घर के सामने एक बाज़ार है। कौन सा बाज़ार? झरिया बाज़ार। वहाँ पर रथ यात्रा होता है, तो हम आपको वहाँ का रथ भी दिखाएंगे। तो चलिए आज घूमने के लिए ब्लॉग में बने रहिएगा एंड तक, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बाहर, उसके बाद एक भैया भी है वो भी साथ में जाएंगे, दोनों मिलकर देख करके आते हैं और वहाँ घूम लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, हम गाड़ी भी चला रहे हैं और जा रहे हैं, तो बने रहिए अभी ब्लॉग में अंत तक। अभी निकल चुके हैं घर से, थोड़ी दूर ही आए हैं और अभी ड्राइव भी मैं खुद ही कर रहा हूँ और करते हुए चल रहा हूँ। तो चलिए गाइस, बने रहिए, डायरेक्ट मंदिर में मिलते हैं। गाइस, हम पहुंच ही रहे हैं, थोड़ा दूर और बचा हुआ है, बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं झरिया। तो चलिए अभी ब्लॉग में बने रहिए। जा चुके हैं हम मंदिर और काफ़ी गर्मी है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, पूजा पाठ हो चुका है। और चलिए अब हम आपको बाहर दिखाते हैं रथ, रथ यात्रा वाला रथ, चलिए बाहर देखते हैं। तो गाइस, ये रहा मंदिर का कुछ इस प्रकार से नज़ारा, देख सकते हैं अंदर भगवान जी का प्रतिमा लगा हुआ है। अब चलिए बाहर की ओर चलते हैं, फाइनली हम आपको अब रथ दिखाएंगे दोस्तों। चलिए चल रहे हैं। ये देखिए शिव मंदिर है दोस्तों, ये देखिए बाहर की तरफ दोस्तों, ये रथ है। ये पहले लकड़ी का था लेकिन अब इसे नया तरीके से बनाया गया है दोस्तों। लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि पहले जो रथ का पहिया था दोस्तों, वो अभी भी इसके ऊपर रख कर पूजा की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोना साइड में एक लकड़ी का पहिया रखा हुआ है। गाइस, काफ़ी भीड़ था हमारे यहाँ, तो रथ आप लोगों ने देख लिया कि रथ कैसा था। और चलिए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है मार्केट में, अब चलिए घर की ओर चलते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।